महाराजा हरि सिंह की 128वें जयंती मनाई जा रही है और सभी को महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप साफ तौर पर तस्वीर वीडियो में देख सकते हैं कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी इस वक्त हरि सिंह स्टैचू के पास पहुंच चुकी है और यहां पर जो है वो जन्मदिन मनाया जा रहा है, यानी कि जयंती जो है वो मनाई जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, 128वां यहाँ पर जयंती महाराजा हरि सिंह की मनाई जा रही है। साफ तौर पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी यहां पर पहुंच चुकी है हरि सिंह स्टैचू के पास और कुछ ही क्षण में यहां पर केक काटा जाएगा। तस्वीरें आप देख सकते हैं। भारत माता की वंदे मातरम्। महाराजा हरि सिंह जी कुछ ही क्षण में यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी और 128वीं जयंती यहाँ पर मनाई जा रही है। ये ऊपर कैसे चढ़े हैं? ये तस्वीर है आप तक पहुँचाने की। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी महाराजा हरि सिंह को कुछ ही क्षण में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। तस्वीरें आप देख सकते हैं, केक भी यहां पर काटा जाएगा। तस्वीरें आप देख सकते हैं। महाराजा हरि सिंह की 128वीं जयंती मनाई जा रही है। देख सकते हैं श्रद्धांजलि यहां पर अर्पित की जा रही है। महाराजा हरि सिंह जी, महाराजा हरि सिंह जी, महाराजा हरि सिंह जी। इस साइड से आ जाओ सारे। ओ भैया सर सामने देखिएगा, सर सामने देखिए, सामने 128वीं महाराजा हरि सिंह की जयंती मनाई जा रही है और अब केक यहां पर काटा जाएगा। श्रद्धांजलि अर्पित कर चुके हैं डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी, देख सकते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं महाराजा हरि सिंह की 128वीं जयंती यहां पर मनाई जा रही है और अब यहां पर जो है वो केक काटा जाएगा। तस्वीरें आपके सामने हैं। महाराजा हरि सिंह जी, 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 महाराजा हरि सिंह जी। यार हेलो पीछे का नहीं है नैपकिन लाओ, नैपकिन आ गया। अच्छा नैपकिन दे बच्चे, एक हेलो नैपकिन, नैपकिन का लेना। महाराजा हरि सिंह जी अमर है, महाराजा हरि सिंह जी अमर है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी इस वक्त महाराजा हरि सिंह की 128वीं जयंती मनाते हुए
तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं 128वीं जयंती यहाँ पर महाराजा हरि सिंह की मनाई जा रही है। महाराजा हरि सिंह जी अमर रहे, महाराजा हरि सिंह जी अमर रहे, महाराजा हरि सिंह जी अमर रहे। जी सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? चीफ साहब क्या कहेंगे? 128वां जन्मदिवस है, क्या कहेंगे महाराजा हरि सिंह जी का 128वां जन्म? जुगल जी, जुगल सर पहले आप केक खाएंगे, अभी आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? 128वीं जयंती पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए आज हम सब लोग महाराजा हरि सिंह जी के शुभ जन्मदिन पर इकट्ठे हुए हैं उनको याद करने के लिए, और उन लोगों को मुबारक देने के लिए जो महाराजा हरि सिंह को मानते हैं और जो जानते हैं कि महाराजा हरि सिंह ने अपने कार्यकाल में अच्छे काम किए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि महाराजा हरि सिंह एक ऐसे राजा थे जिन्होंने सेल्फ को पीछे रखा, लेकिन पब्लिक की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, पब्लिक को सुविधा देने के लिए अपने आप को आगे रखा। मुझे याद है कि महाराजा हरि सिंह ने कहा था कि मेरा जो रिलीजन है, मेरा जो धर्म है वो इंसाफ है। मैं इंसाफ करना चाहता हूँ और इंसाफ से हुकूमत करूँगा, और वाकई उन्होंने कहा इंसाफ से हुकूमत करी। मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहता हूँ कि महाराजा हरि सिंह हिंदुस्तान के जो इतनी रियासतें थी उनमें से सबसे एक ऐसे महाराजा थे जब उन्होंने 1931 में इंग्लैंड में जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई तो वहाँ उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ों से कहा कि भाई हिंदुस्तान को क्यों आज़ादी हम नहीं देना चाहते, हिंदुस्तान आज़ाद होना चाहिए। मेरा कहने का मकसद है कि महाराजा हरि सिंह ने सबसे पहले आज़ादी की आवाज़ बुलंद की उस समय जब कोई आज़ादी की बात नहीं करता था। दूसरी बात, महाराजा हरि सिंह ने ऐसे कानून बनाए जैसे उन्होंने कहा जी दलितों को मंदिरों और कुओं में आज़ादी दी उन्होंने। फिर उस समय छोटी लड़कियों की शादी होती थी, 18 बाल शादी होती थी, उन्होंने कानून बनाया और उसकी एज लिमिट बनाई उन्होंने कि छोटी बच्चों की शादी कोई नहीं करेगा जब तक कि वो बालिग नहीं हो जाएंगी। तो मेरा कहने का मकसद है कि वो एक बड़े इंसाफ पसंद राजा थे। एक मैं कहानी सुनाना चाहता हूँ आपको महाराजा हरि सिंह की। महाराजा हरि सिंह जी जब थे उस समय का कानून था कि अदालत जो भी फैसला करती थी उस फैसले को लागू करने के लिए महाराजा को साइन करने पड़ते थे। और एक जहाँ करण नगर आज जहाँ एक बस्ती होती थी, इस बस्ती को हटाया गया, उसमें से एक घर जो था उसको नहीं हटाया गया तो महाराजा ने पूछा कि ये घर क्यों नहीं हटाया गया। तो वो उसमें एक पंडित जी जो रहते थे वो कोर्ट में चले गए और कोर्ट ने फैसला किया कि ये घर जो हटना चाहिए और महाराजा हरि सिंह उसमें गलत है। और महाराजा हरि सिंह ने उस फैसले पर अपनी मोहर लगाई, उसने कहा कोर्ट जो कह रही है वो बिल्कुल ठीक कह रही है। मेरा कहने का मकसद है कि वो बड़े इंसाफ पसंद महाराजा थे और उन्होंने लोगों की हमेशा बात करी। आज ये तो छुट्टी हुई है, मैं इस पर आना चाहता हूँ। महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन पर जो छुट्टी हुई है, इस छुट्टी को लेने के लिए जम्मू के लोगों ने बड़ा संघर्ष किया और खसूसन युवा राजपूत सभा इसमें लीड ली उन्होंने। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि जम्मू की सभी पॉलिटिकल पार्टी, जम्मू के सभी जो सोशल संस्थाएं थी, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन थी, सभी ने
इसका समर्थन किया, जिसकी वजह से यहाँ छुट्टी हुई। तो मैं युवा राजपूत की इस कोशिश को मुबारक देता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ जिन सब साथियों ने, सब लोगों ने, सब पॉलिटिकल संस्थाओं ने, सब सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने, जिन्होंने सरकार को छुट्टी के बारे में मनवाया, मैं सबको आज के शुभ दिन पर बधाई देना चाहता हूँ। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि पिछले दिनों तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी 128 महाराजा हरि सिंह का यहाँ पर जो है वो जयंती मनाते हुए नजर आ रही है, और कुछ ही क्षण पहले यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि यहाँ पर केक भी काटा गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है वो डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी 100 महाराजा हरि सिंह की 128वीं जयंती यहाँ पर मनाई गई है। तो कमेंट सेक्शन पर आप भी महाराजा हरि सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित जरूर कीजिएगा। कैमरा पर्सन शमिता के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।